हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग के बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे या फिर उसका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जब हमें कोई कर्व एक्स और वाई की फॉर्म में हमें गिवन होगा, एक्स और वाई में एक रिलेशन हमें गिवन होगा, तो उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, राइट। तो एक बार जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। देखिए, कुछ हमने यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हमारे इजी वाले होंगे, कुछ हम इजी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। पहले हमने जो दो वीडियो बनाई उनमें थोड़ा सा एकदम सही लेवल के हमने क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर एक दो इजी क्वेश्चनों को करने का प्रयास हम करेंगे, राइट। इन बिंदुओं को भी सीखना अति आवश्यक है। ट्रेस द कर्व एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में हमें गिवन है वाई माइनस वन, इंटू ब्रैकेट में हमें गिवन है वाई माइनस टू, इंटू ब्रैकेट में हमें गिवन है वाई माइनस थ्री। इस कर्व का हम ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, बहुत ही इजी हमारा कर्व है, लेकिन इन बातों को समझना अति आवश्यक और जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ताकि हम और जो हमारे अच्छे लेवल के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली ड्रॉ कर पाए, राइट। अगर आप हमारी पहली वीडियो को देख लेंगे, पहली दोनों वीडियो को देख लेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे किस प्रकार से हम सिमिट्री को डिफाइन करते हैं, सिमिट्री को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो कर्व है किस लाइन के अबाउट सिमिट्रिकल होगा, और कस्प, नोड, कॉन्जुगेट पॉइंट और टेंजेंट एट ओरिजिन एंड टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, और अदर पॉइंट्स पर हम टेंजेंट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। एक दो बिंदु और है, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, इन बिंदुओं को समझ लेंगे, या तो वीडियो से समझ लीजिए या फिर आप अपने बुक में जो दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आप पढ़ लेंगे तो इजीली इनको समझ जाएंगे, राइट। बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का ग्राफ हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो कर्व है हमारा x इज इक्वल टू y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री, राइट। समझने का प्रयास करेंगे, कर्व ट्रेसिंग में थोड़े से हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे होते हैं जो सीखने योग्य हैं, क्योंकि बुक में भी अगर यहाँ पर किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो एकदम सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं। जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो कुछ नए नए पॉइंट्स, नए नए कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं, उन सब बातों को लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। समझते हैं जरा, सबसे पहले क्या है, हमें सिमिट्री हमें चेक करनी है, और सिमिट्री निकालना हमने सिखा दिया है आप लोगों को। तो सिमिट्री के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा हेडिंग आता है सिमिट्री। देखिए, ये जो हमारा जो कर्व है, अगर आप 5 मिनट के लिए सिमिट्री वाला अगर हम वीडियो आप देख लेंगे, जो हमने इससे पहले जो दो वीडियो बनाई है कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड, उनको अगर आप देख लेंगे तो एकदम क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में, क्योंकि सिमिट्री को हर बार हम एक्सप्लेन करते हैं तो 10 मिनट केवल सिमिट्री में ही लग जाता है। सिमिट्री का मीनिंग क्या है, एक रफली आइडिया में दे रहा हूं, अगर x की पावर इवन होती तो ये y के अबाउट सिमिट्रिकल होता, x की सारी पावर इवन होती तो y के अबाउट सिमिट्रिकल होता, यदि y की सारी पावर इवन होती तो ये x के अबाउट सिमिट्रिकल होता, और यदि हम x की जगह माइनस x और y की जगह माइनस y रखें और सेम कर्व हमें फिर से वापस मिल जाए तो ये कर्व हमारा सिमिट्रिकल होता इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और यदि हम x की जगह y और y की जगह x रखते हैं और कर्व हमें सेम मिलता है तो हमारा सिमिट्रिकल होता सिमिट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। इसको आप देख लीजिए एक बार जरा, तो जो ये जो हमारा कर्व है वो किसी भी लाइन के अबाउट सिमिट्रिकल नहीं है। एक रफली आईडी चलो मैं दे दे रहा हूँ फिर भी सिमिट्री का, जैसे हमारा फर्स्ट है हमारा, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कर्व हमारा ये है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो, राइट। तो हम पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और ऐसा करने पर यहां पर हमें सेम कर्व मिल जाता है एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये होता है हमारा एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, इसका मतलब क्या कि एक्स की सारी पावर इवन है, तभी तो ऐसा होगा, इट विल हैपन इफ ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स आर इवन, ऐसा तभी होगा यदि और केवल यदि x की सारी पावर इवन है, या फिर इस लाइन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दिस, और इस लाइन का मीनिंग यही निकलेगा इफ ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन then curve will be symmetrical
कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, एक मैं जरा देखिए थोड़ा सा सो रहा था तो रोकना पड़ता वीडियो, देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। देखिए एक पॉइंट थोड़ा समझना होता है कि कभी हम इस पॉइंट को लिखाते हैं, कभी हम इस पॉइंट को लिखाते हैं, ये दोनों का मीनिंग सेम है। देखिए यहाँ हम x की जगह माइनस x रख रहे हैं तो कर्व जो हमें सेम टू सेम मिल जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पर x की सारी पावर इवन होंगी, x की सारी पावर इवन होंगी। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से जरा सुनिए, अगर x की सारी पावर इवन है तो x की जगह माइनस x रखेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसका मीनिंग क्या, कर्व हमारा जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सेम हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं x एक्सिस के लिए, जब हम y की जगह माइनस y रखेंगे y इज इक्वल टू माइनस y, तो हमें क्या मिलना चाहिए f ऑफ x कोमा माइनस y, हमें मिलना चाहिए f ऑफ x y, राइट। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, और इस केस में लिख सकते हैं इफ ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y आर इवन, ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y आर इवन राइट, देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x एक्सिस। तो वो जो कर्व होगा हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, दो में सिमेट्री हो गई। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम x की जगह हम पुट करते हैं माइनस एक्स कोमा y इज इक्वल टू पुट करते हैं माइनस y, तो f ऑफ माइनस एक्स कोमा माइनस y हमें मान लीजिए f ऑफ xy मिलता है, और ये तब मिलेगा इफ ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y एज वेल एज x आर इवन, ऐसा तभी तो मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तभी ये मिलेगा, ये जरूरी नहीं है तब ये मिलेगा। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है आपको, अगर दोनों को हमें हमने x की जगह माइनस एक्स रखा y की जगह माइनस वाई रखा और रखने पर हमें सेम मिल गया, जैसे x y बराबर जीरो सी स्क्वायर, x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं और y की जगह माइनस वाई, तो हमें जो कर्व मिलेगा वो फिर से सेम वही मिल जाएगा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ये केस अलग है, ये केस अलग है, और ये एकदम अलग ही है हमारा केस, थर्ड वाला केस, यहाँ x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख रहे हैं कर्व में, तो सेम मिल जा रहा है। इसका मीनिंग है हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में, और जैसा सेकेंड में है वैसा फोर्थ में। अगर आप जो है सिमेट्री को जानते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, राइट, थोड़ा हटा देंगे इस, और वो लास्ट हमारी सिमेट्री होती है कि अगर मान लीजिए हम पुट करते हैं x की जगह y, फोर्थ हमारा पॉइंट है, और y की जगह करते हैं पुट x, तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं फंक्शन में कर्व में x की जगह y और y की जगह x, तो f ऑफ y x मान लीजिए हमें f ऑफ x y मिल जाता है, तो हमारा कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन y बराबर x। अगर आप इस सिमेट्री को जानते हैं तो इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो। इसका मीनिंग क्या, अब ये जो हमारा कर्व है वो किसी भी रूल को, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है वो किसी भी लाइन के अबाउट या फिर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इस पॉइंट को हम लिख देंगे गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, अबाउट एनी लाइन, किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। और क्वाड्रेंट, किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है हमारा कर्व, इतना हम समझ गए हम ही सिमेट्रिकल नहीं है, तो कंप्लीट हमें ड्रॉ करना होगा। नंबर दो कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की जगह जीरो और y की जगह जीरो पुट करेंगे, x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो, तो हमारा जो कर्व है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो मिलेगा, इधर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस थ्री, मीन्स जीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स।
इसका मीनिंग क्या, हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास नहीं होता। तो इस पॉइंट्स को भी लिखना जरूरी होता है, मतलब पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि हमें मार्क्स मिल जाए, इन पॉइंटों को लिख देंगे तो मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ ओरिजिन से पास होने हैं कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, पास थ्रू द ओरिजिन, हमारा जो कर्व है ओरिजिन मीन्स 0,0 से पास नहीं होता है, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होता है, मूल बिंदु से पास नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कि कोई भी एजम्पट्स, हमारा जो कर्व है इसके कोई एजम्पट्स मिलेगा ही नहीं आपको, एजम्पट्स नहीं मिलेगा, निकाल देख लीजिए आप इसका, इसके कोई एजम्पट्स नहीं मिलेगा। नंबर थ्री हम निकालते हैं क्या, इसको हेडिंग दे देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें क्या होंगे, इसको आप हेडिंग देंगे। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पहले हम पुट करेंगे y का वैल्यू 0, फिर आप पुट करेंगे x का वैल्यू 0, कैसे भी आप निकाल सकते हैं, कई प्रकार से हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए अगर हम यहां पर पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 यहां पुट करते हैं आप, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो हमारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे कि हमारा जो कर्व है वो इन पॉइंट से पास होता है 0,1 0,2 एंड 0,3। फिर नेक्स्ट क्या है, आपने x का वैल्यू 0 पुट किया और x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पर, x जो 0 होता है वो y एक्सिस पर होता है, इसका मीनिंग क्या, हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस को 1 2 और 3 डिस्टेंस पर कट करता है, y एक्सिस को। अब हम इसीलिए सेम रूल को फॉलो करते हुए हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, किसका y का वैल्यू, देखिए नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, अब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर तो हमें कितना मिलेगा, x इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस 3, इसका मीनिंग क्या, x हमें मिल गया माइनस 6। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है y कहाँ 0 होता है, y 0 होता है x एक्सिस पर, मींस हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को माइनस 0,6 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, राइट right? हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, हमारा कर्व जो सिमेट्रिकल नहीं है किसी भी लाइन के अबाउट, राइट इतना हमने फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इन पॉइंट्स को आप लिख देंगे, अब सीधा जब चलते हैं कार्टेशियन प्लेन की तरफ, कार्टेशियन प्लेन हम बना लेते हैं यहाँ पर एक, देखिए ये हमने बना लिया एक कार्टेशियन प्लेन, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस, राइट यहां पर हमारा ओरिजिन होता है, तो छोटे छोटे बना देंगे 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिव है हमारे तो नेगेटिव बना देंगे, इधर 1 2 3 4 5, राइट इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा 0,1 0,2 0,3, सिमेट्रिकल है नहीं तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कर्व की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे नीचे लिखे हुए हैं तो, और हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता है, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जब एजम्पट्स निकालेंगे तो एजम्पट्स आपको निकालने आने चाहिए। हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर का वेरिएबल को 0 पुट करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को 0 रखते हैं। तो यहाँ तो हमें हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट आपको कांस्टेंट मिलेगा, आपने एजम्पट्स निकालना सीखा होगा, आप दिखा सकते हैं कि द गिवन कर्व हैज नो एजम्पट्स, हमारा जो कर्व है वो कोई एजम्पट्स नहीं रखता है, राइट। नंबर थर्ड अब हमें देखो दिखा देते हैं आपको, माइनस 6,0 ये रहा, 0,1 वो ये रहा, 0,1 0,2 एंड 0,3 ये रहे हमारे पॉइंट्स, राइट। अब आप यहां पर क्या करेंगे,
यहाँ पर एक बिंदु निकाल लीजिए, देखो इसका मीनिंग जब इनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखो यहाँ पे जाएगा ये, यूं इंटरसेक्ट करेगा फिर यूं चला जाएगा फिर यूं चला जाएगा। अब आप देखो मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, पहले रफली आइडिया दे रहा हूँ, मान लो कि हमारे यहाँ माइनस सिक्स है, यहाँ पर वन टू थ्री, कर्व हमारा यहाँ से गया यूं कट गया यूं। अब हमें तो मालूम है कि कर्व ऐसे ही जाएगा, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जाएगा क्यों, ऐसे ही क्यों जाएगा, इसका रीजन क्या है, अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो x का वैल्यू कितना है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रीजन देने वाला हूं, ध्यान समझना, कर्व यहां से क्यों जाएगा इस प्रकार से। एक आप चाहें तो एक हल्की सी टेबल और बना सकते हैं, हल्के से छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम यहां पर, कुछ वैल्यूज के लिए x और y, कुछ वैल्यूज के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ के लिए हम जो है x और y की रेशन हम जो है वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं। देखिए यहां पर हमारा x है, यहां पर हमारा y है, यहाँ पर हमारा जब हमारा वाई माइनस सिक्स है तो एक्स जीरो है, जब हमारा वाई वन तो एक्स जीरो, वाई टू तो जीरो, थ्री तो जीरो। एक दो पॉइंट और निकाल लेते हैं, जैसे जब हमारा एक्स का वैल्यू माइनस फोर होगा तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू माइनस फोर यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कर्व यूं ही जाएगा, कर्व यूं ही तो जाएगा। अब जैसे जैसे मान लीजिए इस प्रकार से जा रहा है तो y का वैल्यू बढ़ेगा, तो आप ये दिखा सकते हैं कि माइनस सिक्स से लेकर के ओरिजिन तक मतलब जीरो तक x का वैल्यू माइनस सिक्स से जीरो तक हमारा जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। या फिर कोई एक दो पॉइंट ऐसे निकाल लें जिससे हमें हमारा जो कर्व है वो एक दो पॉइंट हमें दे दे ताकि हम इनको मिला करके कर्व को ड्रॉ कर पाए। अच्छा एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए जब हमारा y कितना, y इस पॉइंट को समझने प्रयास करना कि जब हमारा y इफ y y lies between 0 and 1, यहां पर तो y 0 होगा यहां पर 1 होगा, जब हमारा y lie करता है 0 और 1 के बीच में तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x भाई y 0 और 1 के बीच में तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, y माइनस 1, ये आएगी हमारी नेगेटिव। केवल हमें साइन पे फोकस करना है, क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है। माइनस बना गया वाई माइनस टू के लिए, अब हम क्या करेंगे वाई माइनस टू ये वन पुट करेंगे, वन तो छोटा क्वांटिटी तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो एक्स है वो नेगेटिव है, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा एक्स कैसा है, नेगेटिव। अब आप एक काम करिए, y का वैल्यू 1 बाई टू यहाँ पर होगा, y का वैल्यू 1 बाई टू लो, कितना y का वैल्यू कितना लेना है, 1 बाई टू, सॉरी y ले रहे हैं 1 बाई टू। एक दो पॉइंट ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं बता देंगे, एक दो पॉइंट मिलेंगे उन्हें मिला देंगे, 0 कॉमा 1 के बीच में 1 बाई टू, तो x कितना मिल जाएगा हमें, x हमें मिल जाएगा 1 बाई टू माइनस 1, 1 बाई टू माइनस 2 एंड 1 बाई टू माइनस 3। एक दो पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमें आइटम मिल जाए, कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई टू, माइनस का 3 बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस 6, 6 में से बन गया माइनस 5 बाई टू, तो ये हमारा हो गया x इक्वल्स टू माइनस 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 और 15 बाई 8। इसका मीनिंग क्या है कि x का जो वैल्यू हो गया वो जो है 2 से छोटा आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पर 1 बाई टू होगा तो 2 से सॉरी यहाँ पर आएगा वो 1.7 के आसपास कुछ आएगा, 1.7 तो यहाँ मिलेगा। एक दो वैल्यू और लेना है, 1/4 लेना वैल्यू, इसका मीनिंग क्या, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, इसका मीनिंग क्या, हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार से जा रहा है, राइट। एक बात और कि जब हमारा वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे की तरफ, एक वैल्यू ले लेते हैं, वाई जब 0 और 1 के बीच में है तो नेगेटिव है, एक्स तो एक्स नेगेटिव होता है यहाँ से यहाँ तक, समझते रहे ना इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्या है कि जब हमारा वाई का वैल्यू इसके नीचे होगा, ये इन पॉइंट होगा तो खेल खत्म हो गया, वो पॉइंट सारे हमने वहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। देखिए एक एक रीजन की तरफ चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसके नीचे किस प्रकार से होगा, जब हम इसके नीचे जाएंगे तो वाई नेगेटिव होगा। अब हम चेक कर लेते हैं, जब हमारा वाई नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इफ वाई इज लेस देन जीरो, वाई हमारा लेस देन जीरो है तो ये क्वांटिटी हमें चेक करना है एक्स कैसा होगा, This will be negative.
तो एक्स हमारा नेगेटिव हो गया। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ वाई भी नेगेटिव है वहाँ एक्स भी नेगेटिव है, तो ये इससे नीचे भी चला जाएगा, यूँ ये पूरा इस तरफ से जाएगा ये, राइट। अब समझिए, फिर से बढ़ते आगे, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए आप, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, अगर हम वाई का, इफ वाई लाइज बिटवीन वन एंड टू, अगर वाई वन से बड़ा और टू से छोटा है तो कैसा होगा एक्स, ये कैसा होगा, वन से बड़ा है ना तो ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा नेगेटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है, एक्स हमारा आ गया पॉजिटिव। जब वाई का वैल्यू वन और टू के बीच में है, वन और टू के बीच में, तो एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये इस प्रकार से होगा, पहले बढ़ेगा फिर यूं करके घट जाएगा, और फिर हम जाएंगे टू और थ्री के बीच में, तब क्या है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहीं से हम ड्रॉ करते हैं, इफ वाई इज लाइज बिटवीन टू एंड थ्री, दो और तीन के बीच में है तो क्या होगा, देन एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये कैसा होगा पॉजिटिव, और ये होगा नेगेटिव, मीन्स एक्स हमारा हो गया नेगेटिव, नेगेटिव है तो फ्री यू जा रहा होगा। भाई देखो सुनो, एक चीज जरा समझने का प्रयास कीजिए, हम जो है इस क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझा देंगे कि भाई ये हमारा कर्व यूं ही क्यों जाएगा, आप सोचेंगे कि ये इसलिए जाएगा, ये हल्के से ये जो बन रहे हैं, ये इस टाइप से जो बन रहा है कर्व, इस प्रकार से जो आ रहा है ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है, या फिर हल्का सा ऐसा हो सकता है, लेकिन बनेगा ऐसा ही, क्योंकि जब हमारा कर्व वन और टू से जा रहा है तो वन से जा रहा है, और जब हम वाई का वैल्यू वन और टू के बीच में ले रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव ही रहेगा वन और टू के बीच में यूं करके, और जब हम टू और थ्री के बीच में ले रहे हैं तो हमारा एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से यूं इंटरसेक्ट कर रहा होगा इसको, और जैसे ही वाई अब यहां से किसी भी प्रकार से तो जाएगा, इफ वाई इज ग्रेटर देन थ्री देन एक्स इज एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस एक्स फिर से पॉजिटिव हो गया। अब वाई की जैसे ही वैल्यू थ्री से बड़ी डालेंगे तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक्स हमेशा बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव। इस प्रकार से हम इसका ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मिल सकता है 4-5 मार्क्स में, जितने में भी आता है आपको क्वेश्चन, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, एक अगर वीडियो बड़ा हुआ तो नहीं लेंगे, छोटा हुआ तो ले लेंगे क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इसका भी ग्राफ थोड़ा इजी है, बता देते हैं किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखो हर क्वेश्चन में हमने बताया कि कुछ नए पॉइंट्स हमें सीखने को मिलते हैं, हर क्वेश्चन में जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे कुछ नए नए बिंदु, और जब बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन हमारे माइंड में हो जाएगा तो हम उस कर्व का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। अगर आप देखिए वीडियो को केवल देखते रहिए आप, और उन पॉइंट्स को समझिए आप, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, और जब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे कलेक्ट हो जाएंगे, हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, हाँ भाई हम ये पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एजम्पटूट्स और सिमेट्री एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, इन सब बातों को समझ लेंगे, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और हम इजीली हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। केवल आप तो पॉइंट समझते रहिए, वीडियो को केवल देखते रहिए आप, राइट। तो सबसे पहला जैसे में हम करते हैं, हमने बताया था अभी आपको कि जब भी हम किसी भी कर्व का कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्री, और इस कर्व को हम जानते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला के नाम से, सेमी क्यूबिकल पैराबोला, राइट। अगर ये स्क्वायर को हटा देंगे यहां से तो ये बन जाता है हमारा क्यूबिकल पैराबोला, क्यूबिकल पैराबोला, ये वो वाला भी क्वेश्चन भी अच्छा है हमारा क्यूबिकल पैराबोला वाला, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए सर, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू, हाँ ठीक है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमें इसमें क्या करते हैं, इस कर्व को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले चेक करेंगे सिमिट्री, क्या चेक करेंगे सिमिट्री, अगर हम सिमिट्री की बात करें जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि एक्स हमारा वेरिएबल ऐसा है जिसकी सारी पावर इवन है, अब सारी क्या, एक ही जगह तो आ रहा है केवल एक्स, एक ही जगह आ रहा है, वो भी कैसा है इवन है, तो हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो सेम मिलेगा,
भाई बात ही क्यों होता है, x की जगह माइनस x रखते हैं और सेम हमें कर्व मिल जाता है, फिर से वापस हमें वही मिल जाता है। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं यदि x की पावर इवन है तभी तो ऐसा मिलेगा, तो हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, सिंस पावर ऑफ द वेरिएबल y आर इवन, देयरफॉर कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। कुछ पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है केवल। इसका मीनिंग क्या, हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा y के लेफ्ट में होगा सेम y के राइट में होगा, जैसा बाइक के लेफ्ट में वैसा राइट में, वैसा राइट में था लेफ्ट में हुआ। कुछ कर्व को हम साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, उन पॉइंट्स को याद रखते जाएं तो और भी आसान होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। नंबर दो पॉइंट्स, सिमेट्री आपने चेक कर ली। नंबर दो क्या चेक करेंगे, ओरिजिन से पास हो रहा नहीं हो रहा, राइट। तो पॉइंट्स डालते जाइए, जो भी पॉइंट्स आप निकाल रहे हैं उनको पॉइंट्स देते जाइए। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि पॉइंट्स को नाम नहीं दे पाते हैं, ऐसे 1 2 नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन उनको लिखिए, फिर भी लिखना अति आवश्यक है मार्क्स लेने के लिए। हैज टू ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स को जीरो पुट करेंगे वाई जीरो मिल जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हमारा एल एच एस जो आर एच एस के इक्वल आ रहा है। इसका देयरफॉर इसका मीनिंग क्या हो गया, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, मतलब यहां से जा रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमें अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमें निकालना होता टेंजेंट एट ओरिजिन, और टेंजेंट एट ओरिजिन हमें बताएगा कि ओरिजिन पर हमारा कस्प है, नोड है, कॉन्जुगेट पॉइंट। लेकिन ये निकालेंगे तो तभी जब हमारा जिस पॉइंट से पास हो रहा कर्व, अब जैसे हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। तो इसको नाम आप हेडिंग में दे सकते हैं टेंजेंट्स एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पर टेंजेंट हम किस प्रकार से निकालते हैं, ओरिजिन पर टेंजेंट हम इस प्रकार से निकालते हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म को, लोएस्ट डिग्री टर्म को उसकी कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को हमें जीरो रखना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को। तो लोएस्ट सॉरी कंप्लीट लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो रखना होता है, वो तो हम अलग केस हो गया हमारा, लोएस्ट डिग्री टर्म को हमें जीरो रखना होगा। लोएस्ट डिग्री टर्म तो लोएस्ट डिग्री टर्म कितना है हमारा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब दो टेंजेंट मिली और दोनों सेम है, दो टेंजेंट मिली और दोनों सेम है। अब हम ये चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे कि हमारा जो कर्व है वो, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन पर, देखिए दो सेम टेंजेंट मिल रही है, इसका मीनिंग क्या है, कस्प होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। लेकिन उसके बाद भी हमें ये चेक करना होता है कि ये कस्प होगा या कॉन्जुगेट। भाई यहां तो जब दो सेम टेंजेंट मिलती है तो दो केस बनते हैं, या तो कस्प या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। अब ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो हमारा पॉइंट है ओरिजिन वो कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट, हम यहां पर जाएंगे कर्व में, यहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहां बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, वाई क्यूब अपॉन ए। तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा वाई क्यूब वाई ए। अब वाई की पॉजिटिव लेकिन स्मॉल वैल्यू, इफ वाई इज स्मॉल बट पॉजिटिव, स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है। अगर हम y की स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू लें तो ये हमारा क्वांटिटी कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा। देन x इज रियल, x इज रियल, और x आपका रियल है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इट विल बी अ कस्प, मींस ओरिजिन मींस 0,0 जो है हमारा वो कस्प है, ओरिजिन विल बी अ कस्प।
कस्प होगा एक। अब कस्प का मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चे इस बात से भी कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा जो कस्प कहाँ मिला ऑरिजिन पर, ये कस्प इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से कस्प का मीनिंग क्या है, वहां से दो शाखाएं जाएंगी किसकी, कर्ण की, दो शाखाएं दो ब्रांच हमारी जाती हैं, और उसके लिए जो बीच में जो ये होता है ये टेंजेंट होता है, और ये क्या टेंजेंट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला है, और ये क्या होता है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वाई एक्सिस। तो ये तो होगा नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि ये या तो इस प्रकार से होगा या फिर इस प्रकार से होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो ब्रांचेस जो जाएंगी कस्प की वो अपर साइड में होंगी या लोअर साइड में। इसके लिए क्या करेंगे, अब आप मान लीजिए वाई की नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो आपको एक्स कैसा मिलता, इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या है, ये शाखाएं जो ऊपर की तरफ जाएंगी, ये जो कस्प बन रहा होगा वो ऊपर की तरफ बन रहा होगा, राइट। अब नंबर तीन, ये तो समझ गया आप कि शाखाएं जो जाएंगी वो 101% हमारी जो है इस प्रकार से जाएंगी, राइट। और एक हमारा हेडिंग और पड़ता है यहां पर, हेडिंग नंबर थ्री हो गया, ये हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन और कस्प निकाल दिया। हेडिंग नंबर फोर, एक दो पॉइंट्स और बता दे रहा हूं, मतलब इनका और आइडिया लगाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, इतना तो हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। के अगर मान लीजिए हम यहां पर हम क्या निकालते हैं, यहां पर हम निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, यहां से हम डीवाई अपॉन डीएक्स निकालते हैं। कब क्या हम निकाल लेते हैं इन पॉइंट्स को, हम डीवाई ओवर डीएक्स निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं मैं बता रहा हूं, ऐसे मान लीजिए हम डीवाई ओवर डीएक्स निकालते हैं तो टू ए एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर डीवाई ओवर डीएक्स, तो डीवाई ओवर डीएक्स कितना आ गया हमारा 2ax अपॉन 3y स्क्वायर, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कब, लेकिन कब होगा पॉजिटिव, जब हमारा x पॉजिटिव होगा, जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। ये हम तब करते हैं जब मान लो कि हमारा ये तो हम ये इसको हम निकालते कब, इसको हम निकालते कब, मैं ये बता रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कर्व आपको, हमारा जो कर्व है वो सिमिट्रिकल था y एक्सिस के अबाउट, मतलब जैसा y किधर था वैसा इधर, तो हम क्या करते हम केवल y के राइट में ड्रॉ करते। तो y के राइट में हम क्या देखते, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो देन ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होती, dy अपॉन dx हमारा पॉजिटिव हो जाता, a पॉजिटिव होता। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता, इंक्रीजिंग हो जाता हमारा जो कर्व है, इंक्रीजिंग हो गया, और जैसा इधर होगा वैसा ही सेम इधर होगा, राइट। और अब एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व पे आते हैं, इन बिंदुओं को लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, वैसे एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व को ना इस हेडिंग को आप ना भी देंगे तब भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि वो ये चीज ना यहीं से मिल जाती है। कैसे, कि हम यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, x के कितना था y क्यूब अपॉन a का रूट, तो अगर हम y का वैल्यू नेगेटिव डालते हैं, मतलब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि कर्व का एग्जिस्टेंस नीचे है या नहीं, नीचे की तरफ, इफ y इज नेगेटिव तो x कैसे मिलता, x इज इमेजिनरी, कैसे मिलता, इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है उसका नीचे की साइड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जब y का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं हम तो x हमें इमेजिनरी मिल रहा है, जब हम y को नेगेटिव ले रहे हैं तो नीचे की दिशा में हमारा जो x का वैल्यू है वो इमेजिनरी है, मतलब जब y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जब जब y नेगेटिव होगा तब तब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, x हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, राइट। इस प्रकार से हम इस सेमी क्यूबिकल पैराबोला का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, राइट। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, उसे हम करा दे रहे हैं, छोटा सा है वो क्वेश्चन भी, देख लेते हैं उसे भी। देखिए नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, ये है हमारा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हर बार हमें जब भी हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होती है तो हम करते हैं सिमिट्री से, तो सबसे पहले सिमिट्री को चेक कर लेते हैं, हर पॉइंट को नाम देना आपको। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सिमिट्री,
क्या है सिमेट्री राइट। तो ये कर्व है हमारा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से हमें सेम मिल गया कर्व हमें, इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी सिमेट्री है, हमने x को माइनस एक्स रखा y को माइनस वाई, तो हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड में होगा और जो सेकंड का पार्ट है वो फोर्थ में होगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि कभी कभी ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड और फोर्थ चूंकि अपोजिट क्वाड्रेंट है इनमें कोई पार्ट ही नहीं है, उसको हम चेक कर लेंगे, बताएंगे किस प्रकार से होगा बताएंगे भी। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल, यहां पर सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है राइट, पहला हमारा हो गया। और इनसे पास हो रहा है यस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ध्यान से देखिए आप, ओरिजिन से पास हो रहा हमारा कर्व, अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करता हूं तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा, सिमेट्री हमारी अपोजिट क्वाड्रेंट में है राइट। अब आपको समझना क्या, देखिए हाँ, तो थर्ड हमारा क्या है, अगर हम यहां से सिमेट्री हमने चेक कर ली, कर्व को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या है x एक्सिस, ये हमारा क्या है y एक्सिस राइट। एक मिनट जरा सो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम निकालते हैं ओरिजिन पर टेंजेंट, एक टेंजेंट मिली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दो मिली तो नोड हो जाएगा, दोनों अलग अलग हुई, और दो सेम मिली तो कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर हम निकालते हैं यहां से तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो रखना होता है, मीन्स ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, मीन्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है कि y इज इक्वल टू जीरो, मतलब x एक्सिस जो इसकी एक टेंजेंट होगी, x एक्सिस राइट, इसका मीनिंग क्या होता है, और x एक्सिस इसकी टेंजेंट। अब एक टेंजेंट मिली है तो हमें एक से हमें कोई आइडिया नहीं लगता है कि हमारा कस्प है, नोड है या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट, बस रहने दीजिए इसको ऐसे ही राइट राइट। नंबर फोर पॉइंट क्या है, नंबर फोर पॉइंट हमारा ये है, अच्छा एक चीज और, जब हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, जैसा इसमें होगा वैसा इसमें होगा, और जैसा इसमें होगा वैसा इसमें होगा राइट। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ड्रॉ करेंगे, भाई ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा कर्व, साथ साथ आप चाहें तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो हमारा कर्व होगा वो x की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x की कोई भी वैल्यू पुट करिए आप ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है x की सभी, x की बड़ी, x की 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए, इसका मीनिंग क्या है, dy ओवर dx इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मींस द गिवन कर्व इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, हमारा जो कर्व है वो वर्धमान है, इसको हम बोलते हैं वर्धमान है और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब यहां से यहां तक हमारा कर्व जो बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है ये तो हम समझ गए, देयरफॉर वाई इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, और गिवन कर्व इज इंक्रीजिंग फंक्शन, आप लिख दीजिए इंक्रीजिंग, ये हमारा इंक्रीजिंग कर्व है राइट। नंबर सेकंड हम क्या बताने वाले थे कि एक दो पॉइंट हम निकाल लेते हैं, एक दो पॉइंट ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दो पॉइंट निकालना, जैसे x y, जब हमारा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, जब हमारा x 0 तो y 0,
अब मान लीजिए हम x को रखते हैं कितना a square, a, तो y कितना मिलेगा e, x को रखते हैं 2a, तो ये 8a क्यों, तो ये मिल जाएगा हमें 8a, मतलब जब हम यहाँ 0 या a तो a, और फिर जैसे ही हमने 2a रखा तो y की एक बड़ी वैल्यू मिली हमें, 2a पर तुरंत एक बहुत बड़ी वैल्यू मिली, इसका मीनिंग कर्व हमारा इस प्रकार से होगा राइट right? और जैसा इधर है, जैसा हमारा कर्व इधर है वैसा ही इधर होगा, तो हमारा कर्व इस प्रकार से जाएगा, राइट right? अच्छा एक चीज और समझना है यहां पर, एक पॉइंट और समझना है, जैसे हमने ये बोला था कि हमारा जो टेंजेंट है वो y बराबर 0 है, क्या है y बराबर 0, ये टेंजेंट तो है लेकिन टेंजेंट जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये और चेक कर लेना है कि हमारा ये जो पॉइंट होगा ना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, कर तो हमारा ड्रॉ हो गया, वैसे एक चीज़ और आपको बता दें, देखो आपको एक चीज़ और पॉइंट हम बताने वाले हैं, कितने हो गए 3 4 ऐसे मानेंगे तो 4 हो गए, अब मान लीजिए 5वां पॉइंट ये बताने वाले हैं कि हमारा जो कर्व है वो इस क्वाड्रेंट में होगा या नहीं, इस सेकंड वाले में, सेकंड में क्या होगा कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो जब हम एक्स का पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वाई कैसा मिलेगा, एक्स का वैल्यू ए डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो क्या नाम है पॉइंट होते हुए ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और ये हमारा होता है वाई नेगेटिव होता है एक्स पॉजिटिव, तो क्या ऐसा संभव है कि जब हम x का वैल्यू नेगेटिव डालें यहाँ पर तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, तो नहीं मिलेगा ना, इफ इसको समझ लेते हैं, इफ इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, इफ x पॉजिटिव, जब हमारा x पॉजिटिव होगा पॉजिटिव तो y कैसा होगा, y भी पॉजिटिव ही आएगा, then y positive, इसका मीनिंग क्या है, if x negative और जब x negative होगा तो y भी negative होगा, इसका मीनिंग क्या है, कर्व जो होगा कर्व का जो एग्जिस्टेंस होगा वो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अगर मान लीजिए कभी हम ऐसा ओरली देख पाते हैं कभी कभी, मान लीजिए x का पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो y पॉजिटिव मिल रहा है, x का नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं लेकिन y पॉजिटिव मिलता तो उसका मीनिंग क्या था, उसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फिर ऐसे अगर हम x का पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कर्व का एग्जिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। नंबर 3 ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये कहीं कहीं यूज हो जाता है, कहीं कहीं नहीं, यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज भी नहीं किया और कर्व ड्रॉ हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने सिमिट्री का यूज कर लिया, क्योंकि कर्व जैसा इधर होगा वैसा ही नीचे की तरफ होगा, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व अपनी कॉनकेविटी चेंज करता है, मतलब कर्व जो है यूं करके जा रहा था फिर जैसे यूं हो गया, तो इस ये पॉइंट वो है जहां से कर्व ने पहले तो नीचे की तरफ मुड़ रहा था, ये कॉनकेव डाउन बर्ड है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव डाउन बर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव अप बर्ड, लेकिन यहां से डाउन बर्ड था यहां से अप बर्ड हो गया, तो किस पॉइंट से चेंज हुआ, इस पॉइंट से, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में से निकालना तो नहीं था इसमें जरूर है, होगा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बता दे रहे हैं फिर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमने dy ओवर dx निकाल दिया था यहाँ पर, तो dy ओवर dx हमारे ये आ गया, तो अगर मैं d2y ओवर dx स्क्वायर निकालता तो यहाँ से 6x अपॉन a स्क्वायर, अब d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 कहाँ पर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 है जब हमारा 6x अपॉन a स्क्वायर 0 है, 6x अपॉन a स्क्वायर 0 मतलब जब x 0 है ना, अब इस पॉइंट पर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो आना चाहिए, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते d3y अपॉन dx क्यू
तो ये हमारा आता 6 अपॉन ए स्क्वायर, और ये नॉन जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। मतलब हमें ऐसा पॉइंट निकालना था जहां डबल डेरिवेटिव जीरो हो। देखो ये जो डबल डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर जीरो आएगा जो कि एक्स जीरो रखेंगे, लेकिन ट्रिपल डेरिवेटिव इसी पॉइंट पर नॉन जीरो आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो पॉइंट है जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, और जब एक्स जीरो है तो वाई जीरो आएगा। मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस प्रकार से हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसकी भी आवश्यकता पड़ती है हमें कभी। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कौन कैप अपवर्ड कौन कैप डाउनवर्ड, इन सब पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो कुछ नहीं है। अब मान लो कौन कैप अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात करते, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कहाँ रहता, जब हमारा एक्स पॉजिटिव होता। जब हमारा एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव था, मतलब कर्व जो हमारा इस प्रकार से जा रहा है ना, तो अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड कब रहता, जब नेगेटिव होता। ये नेगेटिव कब होता, जब एक्स नेगेटिव होता, मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ है ये इसका मुंह। ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है डाउनवर्ड, इस प्रकार से आ रहा अपवर्ड, या फिर इस प्रकार से है तो डाउनवर्ड। सीधे सीधे फिगर देखेंगे, इस प्रकार से है तो अपवर्ड, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको छोटा छोटा बनाएंगे तो यूं करके, अगर यूं बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, राइट। इस प्रकार से ये कुछ हमारे इजी वाले करते जिनको हमें ड्रॉ करना था, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।